हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल आशा सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको टैनिंग वैक्स करने का तरीका प्रॉपर में बताएंगे और हम फुल लैब करेंगे। और ये देखिएगा कि फुल लैब और इतनी ज्यादा ग्रोथ के बाद में इस रेनी सीजन में हमने किस तरह से हेयर को रिमूव किया है वो देखने वाली बात है। इससे पहले भी काफी सारे वीडियोज हमने वैक्सीन के पोस्ट किए हुए हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन आज हम जो इस सीजन का जो वैक्सीन करने का तरीका है, मेन चीज वो बताने जा रहे हैं कि हमको इस तरह से करना चाहिए और वो उन्हें वैक्स को लगाने का तरीका और स्टेप के जरिए हेयर को रिमूव करने का तरीका आप देखिएगा। ये है टैनिंग हनी वैक्स है और आप इससे नॉर्मल वैक्स से ज्यादा बेटर है, अच्छी तरह से हेयर को रिमूव करता है और इसकी क्वालिटी आपको हम जब काम करके बताएंगे तो आपको दिख जाएगी। ये करने का तरीका, वही सामान हमको ये लेना पड़ता है। पहले ये वैक्स हीटर है, नाइफ है और वैक्स हमने बताया आपको, और वाटर है, स्पंसर वॉश करिए या टिश्यू पेपर से आप पोंछेंगे। ये वैक्स स्ट्रिप्स है, ये अलग अलग कलर की आती हैं और आप किसी भी कलर की ले सकते हैं, अच्छी हैं दोनों। और वैक्सिंग के बाद में हम वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद में फिर देखिए ये मॉइस्चराइजर है या एस्ट्रीजेंट, दोनों में से एक चीज को हम वॉश करने के बाद में अप्लाई करेंगे, जिससे कि जो रोम क्षेत्र खुल जाते हैं वैक्सिंग के बाद में वो पैक हो जाएं, नहीं तो फिर इन्फेक्शन का डर रहता है। इसलिए हमको वैक्सिंग के बाद में खुला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे मॉइस्चराइजर लगाएं या फिर ये एस्ट्रीजेंट लोशन लगाएं। तो देखिए, सबसे पहले अगर फर्स्ट बार आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए आइकन बेल के साथ में, और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और हम आपके कमेंट्स का पूरा वेट करेंगे, अपने सजेशन भेजिए और चलते हैं फिर आगे का काम शुरू करते हैं और देखिएगा किस तरह से हम करते हैं। ये देखिए कितने ज्यादा हेयर हैं और इन हेयर पर हम वैक्स करके आपको बताने जा रहे हैं। और टैनिंग आपको दिखाई दे रही है कितनी ज्यादा है टैनिंग, तो इस टैनिंग को भी रिमूव हम इस वैक्स से करेंगे, क्योंकि हनी वैक्स बहुत अच्छा है और टैनिंग रिमूवल वैक्स है ये। ये देखिए, सबसे पहले हमने टैल्कम पाउडर लगाया जिससे कि हेयर स्किन से अलग हो जाए, इसलिए हम टैल्कम पाउडर लगाते हैं। और उसके बाद में देखिए, वैक्स जो हमने गुनगुना किया हुआ है वैक्स हीटर में, उसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। अगर आप फर्स्ट बार वैक्सिंग कर रहे हैं तो फिर शॉर्ट जो स्ट्रोक्स हैं वो आप ले सकते हैं। हमने ज़्यादा स्पेस पर एकदम वैक्स अप्लाई किया है और फिर हम वैक्स स्ट्रिप्स को इस तरह से देखिए चिपकाएंगे और प्रेस करते हुए स्किन को एक हाथ से स्ट्रेच कर रहे हैं और दूसरे हाथ से हम स्ट्रेच करके स्ट्रिप को खींचेंगे। ये देखिए, झटके से हमको खींचना है, ढीले हाथ से नहीं स्ट्रिप को खींचना है। आपने देखा कितने ज़्यादा हेयर थे और स्किन बिल्कुल टैनिंग के साथ में दिखाई दे रही थी। और वैक्सिंग के बाद में देखिए, आप काफ़ी स्किन पर नीटनेस नज़र आ रही है और फेयरनेस नज़र आ रही है। एक बार फिर से देखिए, वैक्स अप्लाई करने का तरीका देखिए आप। हमने गुनगुने वैक्स को नाइफ पर लिया और नाइफ पर लेने के बाद में पतली लेयर हम वैक्स की लगाएंगे। हेयर के डायरेक्शन का हमको पूरा ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, हमने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रिप को प्रेस किया है और फिर खींचा है। हमने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैक्स लगाकर रिवर्स डायरेक्शन में स्ट्रिप को खींचा है। एक बार फिर से देखिए, ये बैक साइड के पैरों की स्किन है। हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे कि कभी खड़ा किया और कभी बैठाया क्लाइंट को, हम केवल बैठे बैठे ही क्लाइंट के फुल लेग का वैक्स करके आपको बताएंगे। यहाँ पर हम नी तक हम बताएंगे केवल, क्योंकि ऊपर के पोर्शन में क्लाइंट की इच्छा नहीं है कि हम शो करें उनकी स्किन को।
तो आपको नी से ऊपर तक जब करके बताएंगे तो दिखाई देगा। ये देखिए, एक पैर के बैक्स हमने करके बताई है कि इस तरह से किया। अब दूसरे पैर पर हम करने जा रहे हैं। टैल्कम पाउडर हमने लगाया जिससे कि स्किन के ऊपर जो पसीने और नमी होती है उससे हेयर चिपक जाते हैं, और पाउडर लगाने से हेयर स्किन से अलग हो जाते हैं। ये ह्यूमिडिटी वाला मौसम है तो वैक्स का चयन हमको प्रॉपर वे में करना चाहिए। इस टाइम नॉर्मल वैक्स से वैक्सिंग नहीं हो पाती है अच्छी तरह से, इसलिए टैनिंग वाली ही हमको करनी है स्किन से, अगर टैनिंग हमको रिमूव करना है तो। ये देखिए, हमने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगाया है और बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लगाने के बाद में प्रेस किया स्ट्रिप को और फिर डायरेक्शन के रिवर्स डायरेक्शन में हम स्ट्रिप को खींचेंगे। एक बार फिर से देखिए आप, पतली लेयर हमने वैक्स की लगाई है और लगाने के बाद में अब हम स्ट्रिप्स को देखिए इस तरह से एक हाथ से स्ट्रेच करेंगे, एक हाथ से प्रेस करेंगे और ये हमने स्ट्रिप को खींचा। वैक्स स्ट्रिप्स देखिए कितनी टैनिंग वाली हमको दिखाई देने लगी और स्किन एकदम फेयर हो रही है। तो विश्वास है दोस्तों, आपको ये फुल लेग वैक्सिंग का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको इस मौसम में टैनिंग वाले पोर्शन पर किस तरह से वैक्सिंग करनी है। पाउडर अगर स्ट्रिप्स हमारी बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो गई है तो हम स्ट्रिप के ऊपर भी पाउडर लगा सकते हैं जिससे कि काम करने में आसानी हमको रहेगी। ये देखिए, अब एड़ी और पंजे के पोर्शन पर हम इस तरह से वैक्सिंग करेंगे। ये देखिएगा आप, इस तरह से हम प्रेस करेंगे और ये खींचने का जो स्टाइल है वो आप देखिए। प्रेस अच्छे से करेंगे तो सारे हेयर एक बार में ही हट जाएंगे स्किन से, और अगर हमारा प्रेस का काम अच्छे से नहीं है, स्ट्रिप को हमने अच्छे से प्रेस नहीं किया है, तो फिर हेयर कुछ रह जाते हैं। ये देखिए, एक बार में आपके सामने हमने सारे हेयर को रिमूव करके बताया है। और ये नी से ऊपर का पोर्शन हम ले रहे हैं, यहाँ जॉइंट्स पर हमको विशेष ध्यान देना है कि स्ट्रिप एकदम अच्छे से हम प्रेस करके खींचे, क्योंकि जॉइंट्स पर ब्लड क्लोटिंग का डर रहता है, इसलिए हम अच्छे से ध्यान से करेंगे। ये देखिए हमने, और वैक्स की जितनी पतली लेयर हम लगाएंगे गुनगुने वैक्स की, उतना ही हमारा काम अच्छा होगा। ये नी से ऊपर का पोर्शन है जो हम करके बता रहे हैं आपको। ये देखिए, इसी तरह से हम नी के ऊपर के पोर्शन को इस तरह से करेंगे और सारे लेग का काम हमको इसी तरह से करना है। और वैक्सिंग के बाद में फिर वॉश हम नॉर्मल वाटर से कर रहे हैं, और वॉश करने के बाद में फिर हम पहुंचने के बाद में नैपकिन से फिर हम या तो मॉइस्चराइजर लगाएंगे या एस्ट्रीजेंट लोशन लगाएंगे। स्किन को खुला नहीं छोड़ेंगे जिससे कि इन्फेक्शन का डर ना रहे। यहाँ हमने आपको एस्ट्रीजेंट लोशन लगाकर बताया है, विश्वास है आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।